अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। सामान विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट सीरीज नंबर 9। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि किसी भी एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी मेंस हो या ग्रुप डी हो या एसएससी, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह सीरीज। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, सल्फर अणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता है। इसका सही आंसर होगा ए। सल्फर में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 0 और संयोजकता 2 होती है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में देखने से वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। सल्फर 16वें वर्ग का तत्व है। पीरियोडिक टेबल में सल्फर जो है 16वें वर्ग का तत्व है। इसकी परमाणु संयोजकता 16 होती है। यह पीला क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग वल्कनीकरण में कवकनाशी एवं गन पाउडर के रूप में किया जाता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए। अब वीडियो को पॉज करिए और इसके डिटेल को हमारे साथ साथ लिखते चलिए। दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। लेंस की फोकस दूरी क्या है जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए क्या होगी। यहाँ पर यू बराबर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और भी बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और इसका फार्मूला होता है 1/f (1/v) - 1/u। इस तरह से 1/v हो जाएगा 1/25 और u के जगह पर रख देंगे 1/100। तो इस तरह से सोल्व करने पर 4-1/100, 1/f बराबर हो जाएगा 3/100, जिसको नीचा चलाएगा f बराबर हो जाएगा 100/3, जिसको सोल्व करने पर आएगा 3.33 × 33 सेंटीमीटर। दोष और उनके निवारण। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस की प्रयोग किया जाता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह सीरीज कैसा लगता है। कणों की द्वैत प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। इसका सही आंसर होगा सी, डी ब्रोगली। कणों का जो द्वैत प्रकृति है वो डी ब्रोगली के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। आइए इसको डिटेल में हम देखते हैं। हाइजेन ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत का तरंग के आधार पर व्याख्या किए थे। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व को किस समूह में रखा जाएगा। इसका सही आंसर होगा डी, षष्ठम। 16 परमाणु क्रमांक सल्फर का होता है और यह आवर्त सारणी के षष्ठम श्रेणी में रखा जाएगा। सल्फर यह तृतीय आवर्त का तत्व है। वर्ग होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। पी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होने पर वर्ग अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 10, 6+10, 16 वर्ग होगा। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। इसका सही आंसर होगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश तंतु में कांच के पतले पतले रेशों से निर्मित होते हैं। इसका निर्माण टीएच माहिमा एवं नरेंद्र कपानी द्वारा किया गया था। जब किसी
पुष्प के पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र अस्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ओटोगेमी, अर्थात सयुग्मन। जब किसी पुष्प का पराग जो होता है उसी पौधे के परागण के प्रकार के वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे सयुग्मन या ओटोगेमी कहा जाता है। परागण तीन वर्गों में बांटा जाता है, पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण और तीसरा है बौधा परपरागति। एलोगैमी परपरागण है। थायराइड मात्रक है। इसका सही आंसर होगा बी धारिता का। थायराइड जो मात्रक है वो धारिता का मात्रक है। थायराइड धारिता का मात्रक होता है। धारिता अर्थात सी बराबर होता है आवेश बाय विभवांतर अर्थात क्यू बाय भी जिसे कूलम्ब बाय वोल्ट। स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी है। कार्बन एक परमाणु के मूलभूत कणों की कुल संख्या है। इसका सही आंसर होगा डी 20। कार्बन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मास और इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 और 14 होता है जिसको ऐड करने पर आता है कुल संख्या 20 आ जाती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मूल कणों की कुल संख्या होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है मूल कण 8+6+6 बराबर 20 होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के मूल बहुत कण कहते हैं। यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? इसका सही आंसर होगा कम होती। यदि वातावरण के दाब की वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा कम हो जाती है। जल पर दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है जिसे गुप्त ऊष्मा घटता है। भाप के वाष्पन में गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी ग्राम होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 क्लोरीन ग्राम होता है। ऊर्जा प्रवाहित नहीं होता है। ऊर्जा प्रवाहित नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा सी अप्रगामी तरंगों द्वारा। अनुप्रस्थ तरंग माध्यम के लंबवत गमन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग माध्यम के समांतर गमन करते हैं जबकि अप्रगामी तरंगे ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी। इसका सही आंसर होगा लाल प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी अधिकतम होती है लाल प्रकाश में। (1/f)(u-μ-1)(1/r1)-1/r2) केची के समीकरण से म्यू बाय समानुपाती होगा ए बाय लेमडा। एफ समानुपाती होगा लेमडा। जिस तरंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होगा उसकी फोकस दूरी अधिक होती है। एक परमाणु की कुल आवेश -2 है। इसमें 28 इलेक्ट्रॉन तथा 30 न्यूट्रॉन है जिसकी द्रव्यमान संख्या होगी। इसका सही आंसर होगा ए 56 क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या 30 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन 30 है और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान संख्या निकालना है और -2 दिया हुआ है तो जोड़कर आएगा 58 और 58 में से -2 करेंगे तो आ जाएगा 56। परमाणु पर आवेश दिया हुआ है -2। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन 28-2=26 हो जाएगा। उदासीन परमाणु नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन (24) द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 30+26=56 होगा। डीएनए किस पर
हाइपर क्रोमेसिटी दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ए, हीटिंग पर। जैसे ही डीएनए को गर्म करते हैं, डीएनए के दोनों स्टैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इसे हाइपर क्रोमिसिटी कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वार्स एवं क्रिक ने दिया था, जबकि डीएनए की खोज फ्रेसर मिसर के द्वारा किया गया था। राइबोसोम की संरचना होती है? इसका सही आंसर होगा आरएनए तथा प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। राइबोसोम की संरचना जो होती है आरएनए तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण साइट्स भी कहा जाता है। राइबोसोम टेनिस रैकेट के समान संरचना होती है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित रहता है। वेसोप्रेसिन संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मूत्र के सांद्रण से। यह एंटीड्यूरेटिक हार्मोन है। यह हाइपोथैलेमस से निष्क्रिय होता है जो रक्त में पहुंचकर मूत्र के सांद्रण में सहायता करता है। वेसोप्रेसिन मूत्र के सांद्रण में संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। जो कक्षीय होती है अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। ये प्लेटनरी बॉडीज के केपलर के नियम नहीं है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके लिए एक फोकस पर सूर्य स्थित रहता है। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली त्रिज्यक रेखा समान समय के समान क्षेत्रफल तय करता है। ग्रह का आवर्तकाल ग्रह पथ की अर्ध प्रमुख धुरी के धन के समानुपातिक होता है। टी समानुपातिक होता है एक क्यू के। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? इसका सही आंसर होगा ए, नायलोन। नायलोन हेक्सामिथिलीन डायएमीन एवं एडीपिक अम्ल का बहुलक होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस कहते हैं जिसका आणविक रासायनिक सूत्र होता है N2O। 8 वाट प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत लेंस में 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर होगी? इसका सही आंसर होगा 1800 जूल। आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। प्रतिरोध में कोई विद्युत हीटर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की दर I²R(T/T) होता है बराबर I²R। तो 15 का² × 8 हो जाएगा। यहाँ से आएगा 225 × 8, जिसे सोल्व करने पर 1800 जूल सेकेंड आएगा। विद्युत धारा की प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा I²R(T) होता है। लौह अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, चुंबकीय उपचार विधि द्वारा लौह अयस्क का सांद्रण किया जाता है। झाग उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फर अयस्क का सांद्रण किया जाता है। वैद्युत अपघटन विधि द्वारा अल्मोनियम सोडियम पोटासियम आदि अयस्क का सांद्रण किया जाता है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व में से मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका सही आंसर होगा ए, आयोडीन का। समुद्री घास जो है मुख्य तत्व महत्वपूर्ण स्रोत आयोडीन का है। लिमिनेरिया शैवाल आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। फास्फोरस क्लोरीन ब्रोमीन
एटमिनियम हाइलोजन है, हाइलोजन गैस है। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के अस्मैलेक्ट्रॉनिक है? इसका सही आंसर होगा सोडियम। कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन और सोडियम में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन और अल्मीनियम में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है। यदि दो या दो से अधिक परमाणु की संख्या के मूल को में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो इसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। बायोचिप में क्या होता है? इसका सही आंसर होगा आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन। बायोचिप में आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन होता है। यह वर्तमान में अनुसंधान के दौर से गुजर रहा है। यह जैव रासायनिक उद्दीपनों के प्रति अति संवेदनशील होता है। इंद्र है। इसका सही आंसर होगा डी, रडार। भारत के प्रमुख रडार दीपचक्षु उत्तम राजेंद्रा स्वाति है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजेशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस के संबंधित सत्य नहीं है? यह एक चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, यह बिल्कुल गलत है। जीपीएस एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली होती है। इसे वाहनों को आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कार के नेविगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कि पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो यह चक्रवात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है जीपीएस। जीपीएस का इस्तेमाल जो होता है लोकेशन ज्ञात करने के लिए, नेविगेशन में, ट्रैकिंग के लिए, मैपिंग में और टाइमिंग में किया जाता है। किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो इसका औसत वेग कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ए, प्रारंभिक और अंतिम वेग के योग का आधा होता है। किसी वस्तु का वेग की परिवर्तन की दर का नियम है, औसत वेग जो होता है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। अर्थात वी बराबर ए प्लस यू बाई टी त्वरण वेग में परिवर्तन की दर है। त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस तरह से हमारा सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जल्द ही इस पर रुक्मिणी प्रकाशन का बायोलॉजी का अलग से सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें सेल चल रहा है, सेट नंबर 2 आज होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।